हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हैं थोड़े से चेंजेस जो कि शायद आपको हैरान कर देंगे। और मैंने कल बहुत ही ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेली, मतलब बहुत से भी बहुत ही ज़्यादा। और मैंने बना लिया अपना पर्सनल आयरन फार्म और गोल्ड एक्सपी फार्म भी बना लिया नेदर में, और एंड सिटी में भी एक फार्म बना लिया एंडरमैन का। और ये सारी की सारी बातें एकदम झूठ हैं क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, ये बात सच है, मैंने कल बहुत ही ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेली, जिसका नतीजा भी आप लोग नीचे देखेंगे। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, तो वो बुरा तो मत कहना। देखिए, ये खाली एक बार इसकी लुक देखना। देखो, मैंने पूरा सामान जितना था सब सेट कर दिया विथ आइटम फ्रेम। देखो, सारा के सारा सामान सेट कर दिया, प्लस मैंने अपनी जगह को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड सही, मैंने इसमें हर तरफ ये लगा दिया है, इसको गलती है ओक प्लैंक। और फिर मुझे कुछ एहसास हुआ कि एक ब्लॉक तोड़ने पर ही मुझे डायरेक्ट मैं ऊपर पहुंच गया, मतलब एक ही ब्लॉक का गैप था। तो फिर मैंने बोला अब क्या होगा, और लेकिन मैं प्लैंक्स लगाता गया तो ऊपर की लुक ख़राब हो गई कि वहाँ फिर कुछ घास और कुछ प्लैंक्स दिखने लगे। तो फिर मैंने उसका भी एक तरीका सोचा। अरे भाई, ऊपर चढ़ जा, क्या तकलीफ है। तो मैंने उसका भी एक तरीका सोचा। देखिए, बताइए अब कितना सुपर लग रहा है। यहाँ मैंने पूरी पूरी ग्रास नहीं हटाई, कुछ कुछ ऐसे कर दिए। कैसा लग रहा है बताए ना। अभी हमारे पास आयरन पिकेक्स और एक डायमंड स्वॉर्ड और एक स्टोन पिकेक्स है। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और फिर मैंने इन सब फार्म्स बोल रहा हूँ, ये सब एनिमल्स को फूड देना बंद कर दिया और इन्हें ऐसे ही खाली सजावट के लिए रखा है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास आ गई हमारी लूटिंग प्लस फायर एस्पेक्ट प्लस मेंटिंग। जैसे मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ, नहीं मैं चिकन को नहीं मारने वाला। शिकार मिल चुका है। लूटिंग से इतना चांस इंक्रीज हो जाता है, प्लस हमको फूड भी ज़्यादा मिलता है। देखिए, यहाँ से वाटर का जो वो व्यू है वो कितना अच्छा आ रहा है। हाँ, मैंने अपने चंक्स 2 तक ही सेट किए क्योंकि मेरा जो बहुत हैंग मार रहा था। और ये देखिए, लीव्स इसकी कितनी अच्छी लगती हैं। इन सब पर मैंने तब गौर किया है, शेडो, लीव्स, ग्रास, जब मैं बना अरे पेड़ियाँ काटने आया था तब। और मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा। एनिमल्स ही नहीं दिख रहे यार। चलो, हमको हमारा एक और 2 एनिमल्स दिख चुके। ये एनिमल्स एक दूसरे में लगता है बात करते हैं। मैं लेदर्स भी जमा करूँगा क्योंकि आपको पता है हम लेदर्स से क्या क्राफ्ट कर सकते हैं, एक वो आइटम फ्रेम। प्लस इंस्टेंट हमारी स्वॉर्ड रिपेयर हो जा रही है, आप तो जानती हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास है मेंडिंग। मैं सिर्फ 10-20 मिनट्स में इनफ फूड वो कर सकता हूँ कि मेरे को कम से कम माइनक्राफ्ट के 10 दिनों में फूड की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा बोल दिया क्या, नहीं 10 दिन लगभग सही है बिल्कुल,
क्योंकि मैं 10 से 20 मिनट में इनफ फूड वो कर सकता हूँ। हाँ, अगर मॉब बहुत ज़्यादा स्पॉन हो, खासकर शीप और पिक्स, क्योंकि इन सब की लूटिंग जो है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज होती है, मैंने देखा है। यानी मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन इन सब की लूटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। मैंने दूसरे जानवरों को भी मारा, जैसे चिकन है, उन सब में कुछ इतना खास नहीं है मुझे। ओहो रवील, यहाँ मैं जा चुका हूँ। वाह, रात भी होने को ही, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम इतने भी होने हैं कि हाँ हम इनसे आ जाओ भाई लड़ लो ऐसा करेंगे। मेरा घर किस तरफ था? अच्छा हाँ, उस तरफ था। मेरे को मेरे कोऑर्डिनेट याद है, 1295, 1295 आई थिंक। जल्दी भाई, ट्वेल्व 95 तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अरे यार, ये तो रात को कुछ ज़्यादा ही डरावना दिखता है टेक्सचर पैक। तो उस बार भी मैं आया था तो रात को इतना वो नहीं दिख रहा था जितना आज दिख रहा है। प्लस मेरे पास टॉर्च है कि नहीं वो भी नहीं पता। यहाँ मर गया तो मेरे को ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ आया था। ओहो, क्रीपर और सबकी पूरी फौज आई है, पर मेरे पास एडवांटेज है कि मेरा घर चमकता है, जो कि दिखेगा यहाँ। इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। क्रीपरों की सेना, जल्दी यार खाली सुरक्षित घर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे को अगर मैं मरूंगा तो वो रहा। कंपास, अब मैं कुछ हर चीज़ छोड़ के सबसे पहले कंपास बनाऊंगा। कंपास बोलते हैं, कंपास क्या? अच्छा है ना, मैंने इतनी सारी लाइटें लगाई ताकि दूर से ही मेरा घर दिख गया मेरे को। मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा, इधर से जाऊँगा यार। मेरा ये डोर भी खुल रहा है, वाह। ओह, मेरे को तो नहीं लगा था मैं पहुंच पाऊंगा घर तक। अब तो मर जाओगे। अब मैं सोचता हूँ एक फार्म बनाऊं, एक्सपी फार्म। आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तो मैं, मेरे को कुछ इतना भी नहीं मिला है, फिर मैं एक्सपी फार्म कैसे बना लूँगा? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्सपी फार्म कुछ अलग तरीके से बनाऊँगा। देखिए, आपने देखा तो हो गई कि जो हमारे पास वाली वो जो वाटर वे जैसा तालाब जैसा खड्डा है, उसमें कितने मॉब्स आके गिरते हैं, देखा है कि नहीं देखा? तो अगर हम ऐसा एक झील वाला गड्ढा बनाएं बड़ा सा, उसके बीच में एक विलेजर्स को, मैं अभी हमारे पास में एक विलेज है पता नहीं किस तरफ, मैं ढूंढ लूँगा। आपको याद ही होगा हमने वहाँ बहुत सब लूट मचाई थी, तो उस विलेज में से एक विलेजर लाके मैं उसके बीच में रख दूँगा और उसको एक वो नेम टैग दे दूँगा और आजू बाजू ट्रैप डोर्स लगा लूँगा। बताइए कैसा लग रहा है आपको आइडिया? पहले मैं आयरन और डायमंड, स्पाइडर आइस, ये सब क्या, ये मैं ऐसा ही करता हूँ, सामान उठाता कहीं और से हूँ और रख कहीं और देता हूँ।
फिर मैं काम की चीज लाना भूल गया। अच्छा क्राउच हूँ। चलो यार अंदर। इसका दरवाजा क्या करूँ, बड़ा कर दूँ क्या? अंदर ही नहीं जाता भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ मैं क्या हाँ बस ले भाई, अब बन तो वो हम एक डायमंड ब्लॉक भी बना सकते हैं, पर मैंने नहीं बनाना भाई। मेरी क्या चीज़ कम हो? अच्छा क्राफ्टिंग टेबल वही ले लूँ जो यहाँ जगह बन गई। पहले मैं इसमें से रेडस्टोन डस्ट भी निकालूँगा। कंपस, कंपस कहाँ है? आई थिंक कंपस ऐसे ही बनता है। ये रहा, चार डस्ट और एक वो मिला के। बस एक से ज़्यादा कंपस नहीं, हमारे पास सामान की बहुत कमी। और हाँ एक बैड न्यूज़ तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गया कि जब हमने ये सब मैं तोड़ रहा था तो मैंने पहले चेस्ट के नीचे से एक ब्लॉक तोड़ा, तो मेरे को लगा चेस्ट जैसे एयर में थी ऐसे ही रहेगी, और एनविल के नीचे से तोड़ा तो हमारा एनविल गायब हो गया, मतलब टूट गया। मेरे को बहुत दुख हुआ कि तीन आयरन ब्लॉक प्लस इतने सारे आयरन लगे हुए थे उसमें। आपको पक्का पता है ना कंपास कहाँ इशारा करता है? हमारी रिस्पॉन पॉइंट की तरफ या कहीं और? मैं एक बार सो ही जाता हूँ। अब चेक करते हैं। ये तो कहीं और इशारा कर रहा है। अगर मैं उस दिशा में जाऊंगा तो वहां मेरा घर है। ये क्या है? ये तो घर की तरफ इशारा कर ही नहीं रहा। इशारा तो रिस्पॉन पॉइंट की तरफ करता है। क्या है यार फालतू में बना लिया क्या? मेरे को इस पर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं हमेशा से क्रिएटिव में रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं कि ज़्यादातर चीज़ों का क्या है। क्या है भैया तेरे को? बट उधर सुई कर, ये नहीं करने वाला। तो चलिए हम चलते हैं। इसे बंद करते हैं। और मैंने क्या बनाने का सोचा था? और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं एक डायमंड पिकेक्स बनाऊंगा। कैसा लगा मेरा फैसला? क्योंकि हमारे पास है मेंडिंग, हमारे पास मेंडिंग है, तो उस वजह से मेंडिंग होने की वजह से हम अपनी बार बार इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक पिकेक्स बना लूँ। पहले मैंने आर्मर बनाने का सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आर्मर पता नहीं रिपेयर होगा कि नहीं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा आर्मर बनाना। हाँ तो पहले मैं देख लूँ। मैंने बहुत सोचा, मैंने पहले आर्मर बनाने का ही सोचा, सच बता रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों। तो एक हमारे पास 6 डायमंड पड़े,
तो मैं क्या बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको मैं पागल दिखता हूँ? मैं कुछ नहीं बनाऊँगा, मैं पागल हूँ जो मैं कुछ बना लूँ? क्या मेरे को नहीं पता कि बिना मेंडिंग हमारे पास अभी एक ही है, और बिना मेंडिंग के कुछ भी बनाना पागलपन। मेरे को फिर से एक एनविल क्रिएट करना पड़ेगा यार, बहुत दुख हो रहा है। इतने आयरन ब्लॉक जा रहे हैं, ये देखो 64 64 ब्लॉक थे, कितने 64, पूरा एक स्टैक ब्लॉक का, एक स्टैक। उसको कितनी देर में बर्बाद कर दिया है। अब क्या मेरे बनाना था एनविल। हाँ कितना आयरन बचा, देखो कितना था, एक स्टैक आयरन था, एक स्टैक। एक स्टैक किसको बोलते हैं, किसको? एंजल और मैं सोचता हूँ कुछ विलेजर्स को भी ले आऊँ यहाँ। प्लस अब हमारे पास मेंडिंग है तो हमको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको अब स्टोन पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना कोई और पिकेक्स की। फाइनली हमने हमारी डायमंड स्वॉर्ड, डायमंड इसको कहा पिकेक्स, सॉरी डायमंड पिकेक्स भी बना ली, डायमंड स्वॉर्ड भी बना ली, और अब हमको सिर्फ आर्मर की कमी है। तो क्या लगता है, माइनिंग पर जाना चाहिए? नहीं, हमको उससे पहले एक एक्सपी फार्म बना लेना चाहिए जिसमें हम वो करें। तो चलिए दोस्तों, आज का गेम प्ले काफ़ी लंबा हो रहा है, और मुझे पता है मैं आज के गेम प्ले में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ करके दिखा दिए। देखिए लगाने में तो आप सोच नहीं सकते कितनी वो चली गई होंगी, क्या बोलते हैं, एक्स। आपको यकीन नहीं होगा इतनी एक्स मेरी पूरी हो गई इसमें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय।